पेट्रोल या डीजल की डेंसिटी का आपकी गाड़ी के माइलेज पे क्या फर्क पड़ता है, और जब पेट्रोल या डीजल की डेंसिटी कम होती है तो आपकी गाड़ी का माइलेज क्या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? जब भी आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए या डीजल भरवाने के लिए जाए तो आपको किस डेंसिटी पे पेट्रोल या डीजल भरवाना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी की, कि डेंसिटी आखिर होती क्या है। तो डेंसिटी को अगर मैं समझाना चाहूं आपको सिंपल शब्दों में, तो डेंसिटी होती है कि आपका जो लिक्विड है, जो द्रव्य है, वो कितना ज्यादा गाढ़ा है। सीधे शब्दों में डेंसिटी तापमान के साथ साथ बदलती रहती है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती है। अगर आपका तापमान बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, और अगर आपका तापमान कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है। मतलब ये है कि तापमान के उल्टे होता है ये। जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं डीजल या पेट्रोल भरवाने के लिए, तो मीटर में आपने दो चीज देखी होगी। पहला है रेट, किस रेट पे वो डीजल या पेट्रोल है, और दूसरा उसी के साथ में नीचे लिखा होता है डेंसिटी, जिसको कि हम सब लोग अवॉइड करते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस डेंसिटी पे ये है। उसकी हमें कोई ना रीडिंग पता है, ना हमें ये पता है। रेट का हमें जरूर पता है, लेकिन रेट कितना चल रहा है, लेकिन डेंसिटी से हमें कोई खास मतलब नहीं होता है। लेकिन जितना जरूरी रेट है उतना ही जरूरी होती है डेंसिटी। ये आपके माइलेज को सीधे सीधे तौर पे प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपकी गाड़ी में जो डीजल स्प्रे किया जाता है वो किया जाता है इंजेक्टर के द्वारा, और इंजेक्टर को ये नहीं पता होता कि डीजल आपका गाढ़ा है या पतला है या उसकी डेंसिटी क्या है। उसको सिर्फ इतना मतलब होता है कि जितना उसको ईसीयू ने कमांड दिया है कि 2 ml या 4 ml स्प्रे करना है, आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, वो उतना 2 ml या 4 ml स्प्रे कर देता है। अब जब डेंसिटी ज्यादा होती है आपके डीजल की, तो उस 2 ml में जो एटम की जो संख्या है, डीजल के एटम की, डीजल के अणु की, जो असली चीज है, जो कि डीजल की संख्या कह लीजिए, जो कि उस 2 ml में थी, वो ज्यादा होती है। और वहां पे जो हवा है उसके साथ मिलके जो आपके ज्यादा अणु हैं डीजल के या पेट्रोल के, वो जलने के बाद ज्यादा एनर्जी देते हैं, क्योंकि वहां पे डीजल के अणुओं की संख्या, एटम की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह से आपकी गाड़ी को ज्यादा पावर मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है उन ज्यादा अणुओं का वहां पे उपस्थित होने के कारण। वहीं जब डीजल या पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है तो यही इंजेक्टर उतना ही स्प्रे करता है, लेकिन उसमें जो जलने वाली चीज है, जो डीजल है या जो पेट्रोल है, वो एटम है, उनकी संख्या कम होती है, और कम संख्या होने के कारण वो कम एनर्जी देते हैं, क्योंकि एनर्जी तो मेनली एटम से ही मिलती है, आपके डीजल या पेट्रोल के एटम से ही मिलती है। तो वो जितने भी होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। एनर्जी आपको वॉल्यूम से नहीं मिलती है, एनर्जी सिर्फ उन संख्या से मिलती है, उन एटम से मिलती है जो कि जल के आग पैदा करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। तो जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो उन एटम की संख्या ज्यादा होती है, तो मतलब ज्यादा एनर्जी देते हैं, और जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो आपकी गाड़ी को ज्यादा पिकअप मिलेगा। तो मान लीजिए कि 0 से 60 की स्पीड पे जाने पे पहले 10 ml डीजल आपका बर्न होता था, लेकिन ज्यादा एनर्जी देने के कारण सिर्फ 8 ml डीजल बर्न होने से ही वो गाड़ी जो है 0 से 60 की स्पीड पे पहुंच जाएगी। मतलब साफ है कि ज्यादा एनर्जी देने के कारण आपकी गाड़ी का माइलेज भी ज्यादा होगा, उसको कम तेल जलाना पड़ेगा। वहीं कम एनर्जी, कम डेंसिटी का अगर आप डीजल या पेट्रोल डालेंगे तो ज्यादा डीजल जलाना पड़ेगा, ज्यादा पेट्रोल जलाना पड़ेगा उतनी ही पावर लेने के लिए। इसका मतलब साफ है कि आपका माइलेज कम होगा। तो इस तरह से ये बात आप समझ चुके हैं कि डेंसिटी आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपको पावर मिलेगी, उतना ही ज्यादा आपकी गाड़ी माइलेज देगी। लेकिन क्या डेंसिटी सही तरह से फॉलो हो रही है? क्या जहां से आप पेट्रोल पंप ले रहे हैं वहां पे डेंसिटी आपको सही मिल रही है? इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पेट्रोल पंप पे भराने जाए पेट्रोल, तो आपको चेक करना है कि उसकी डेंसिटी क्या है। आप अपने एरिया में जितने भी पेट्रोल पंप है, 3-4 जहां से आप जनरली भरवाते हैं, वहां पे रैकी करके रखिए, और ये देख के रखिए, ऑब्जर्व करिए रहते रहते कि कौन सा ऐसा पेट्रोल पंप है जो कि ज्यादा डेंसिटी का फ्यूल देता है, और बीच बीच में आप जाके चेक भी कर सकते हैं खुद से। तो मैं अपने आसपास के 3 पेट्रोल पंप पे गया और उनके क्या रिजल्ट थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये आप देख रहे हैं, ये है IOC का पेट्रोल पंप है, और इस पे जो मुझे डेंसिटी पेट्रोल की देखने को मिली वो थी 744.8 kg पर मीटर क्यूब। वहीं डीजल की जो डेंसिटी थी इस वाले पेट्रोल पंप पे, IOC वाले पे ही, वो थी 829.4 kg पर मीटर क्यूब। अब दूसरे जो पेट्रोल पंप पे मैं गया वो पेट्रोल पंप था आपका भारत पेट्रोलियम। तो
तो भारत पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल पंप पे ये डेंसिटी थी 746.6 केजी पर मीटर क्यूब। वहीं तीसरे पेट्रोल पंप पे जब मैं गया, ये पेट्रोल पंप था एचपी का और इसके रिजल्ट बिल्कुल हैरान कर देने वाले थे। इस पे मुझे डेंसिटी की जो रीडिंग देखने को मिली वो मिली 0.005 केजी मन पर मीटर क्यूब। तो मैंने ध्यान से देखा और पूछा कि ये जो रीडिंग है ये किसी दूसरी यूनिट में तो नहीं है। तो फिर देख के पता चला कि ये रीडिंग इसकी सेम यूनिट में है, केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन इस पेट्रोल पंप पे मुझे लापरवाही का आलम देखने को मिला कि कोई डेंसिटी का कोई इसमें फीड नहीं किया गया है। डेली बेसिस पे ये डेंसिटी चेक होनी चाहिए और पेट्रोल पंप पे डिस्प्ले की जानी चाहिए ताकि कस्टमर को पता करे। तो ऐसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने का या डीजल डलवाने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे पेट्रोल पंप से नहीं डलवाना चाहिए जहां पे कि इस तरह की उल्टी सीधी रीडिंग देखने को मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि सही रीडिंग क्या है और किस रेंज में होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि पेट्रोल की जो रीडिंग है वो आपको 720 से लेके और करीब 780 के आसपास इस बीच में केजी पर मीटर क्यूब इस बीच में होनी चाहिए। ये रीडिंग 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ये क्या इनफैक्ट डेंसिटी की जितनी भी रीडिंग होती है वो रिफरेंस के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड मान के हम चलते हैं। वहीं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपके डीजल की जो डेंसिटी है वो 820 से लेके और करीब 860 के बीच में केजी पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। तो अगर इन दो के बीच में आप रीडिंग देखें तो आपको वहां से पेट्रोल लेना चाहिए। इसमें भी आपको सोचना चाहिए कि जिस पेट्रोल पंप पे आपको ज्यादा डेंसिटी का पेट्रोल या डीजल मिल रहा है आपको वहीं से खरीदना चाहिए, जिससे कि आपकी बाइक, कार या दूसरे जो वाहन है वो ज्यादा अच्छा माइलेज दे सके। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ही पेट्रोल पे, एक ही कंपनी के पेट्रोल में भी डेंसिटी आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बैच के हिसाब से अलग अलग होती है। जब रिफाइनरी में पेट्रोल रिफाइन किया जाता है तो उसमें एक बैच की डेंसिटी को एक रखा जाता है, उस लिमिट में रखा जाता है, उस रेंज में रखा जाता है। अब उस रेंज में मान लीजिए कि एक पहला जो बैच आया उसमें 720 की रेंज थी और दूसरा जो रेंज बैच आया उसमें 740 की रेंज थी। तो हालांकि दोनों विद इन रेंज है, लेकिन दोनों में भी 740 वाला जो बैच है वो अच्छा माना जाएगा, वो ज्यादा पावरफुल पेट्रोल माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको डेंसिटी का फंडा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो जानकारी भरी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी कमेंट है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।